ये अभी एट्थ ए नहीं कनेक्ट हुई है और एट्थ ई भी नहीं हुई है। क्या बच्चे बीच में ही बैठे हुए हैं या अभी कनेक्शन नहीं हुआ है? एट्थ ए एंड एट्थ ई हैज नॉट येट कनेक्टेड। बच्चे कंबाइन तो नहीं है ना, ये बता दो मुझे बस। ठीक है तो चलो आ जाते होंगे। हम शुरू करते हैं, बोल दो दो सेक्शन कनेक्ट नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर एट कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर एट है 2/3 की पावर -5, 2/3 पावर -11 इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 8x, और x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी। लो जी, जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म्स का बेस सेम, और बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। -5 में जब -11 ऐड करूंगी तो क्या आएगा? विल इट बी 6? विल इट बी -6? विल इट बी -16? -16 -5 -11 को ऐड करें तो -16, एंड हियर आई हैव 2/3 रेज टू पावर 8x। अगर आपके पास हो a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ बेस सेम होने पर क्या पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है? तो मैम, यस। आई से m इज इक्वल टू n, इफ दिस देन दिस, सो फ्रॉम हियर -16 इज इक्वल टू 8x, सो x की वैल्यू आ गई है माइनस। सो लुक फॉर -2 इन योर डायग्राम। डॉट किस डॉट के साथ -2 है? आप ज्वाइनिंग कर रहे थे, पहला आंसर था -5/4 पावर 6, देन 4/5 स्क्वायर, देन 6, देन 3/5, 81/61, -1/216, 64/81 एंड -2। सारे डॉट्स ज्वाइन कर लो, और उसके बाद अगला जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद मुझे दिया है लिफ्ट पेंसिल। इसका मतलब -2 से अगला जो आंसर आएगा उसको ज्वाइन नहीं करना, अगले आंसर से फिर से अलग से शुरुआत करनी है आपको ज्वाइन करने की। ये बात समझ में आ गई? अभी तक आप पहले से लेकर के एट्थ तक कंटिन्यूएशन में जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे, अब जहां -2 आ गया बस वहां छोड़ दो, अगले का जो आंसर आएगा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, फिर आगे आपने ज्वाइन करना शुरू करना है। लो जी, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर अब मैंने बोर्ड पे बुला के, माइक के पास बुला करके लेना है। तो जरा जल्दी से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और फिर हम इसको देखते हैं कि आंसर क्या बनेगा हमारा। 9th क्वेश्चन है, 243 की पावर n/5, 3/2n+1, 9 पावर n, 3 की पावर n-1। अब आप यहां पर देख रहे हो एक जगह बेस 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 243 है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इज सब में कॉमन बेस क्या बनाया जा सकता है? क्या कोई कॉमन बेस चारों टर्म्स का बन सकता है? यहां पर और यहां पर तो सेम है 3, यहां है 9 और यहां है 243। कैन आई राइट 243 इन टर्म्स ऑफ 3 पावर समथिंग एंड 9 ऑल्सो? 9 को क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ 3 की पावर्स? 9 इज 3 स्क्वायर। ऐसे ही 243 को भी क्या 3 की पावर में लिख सकते हो? जल्दी से बताओ मुझे, सोच के लिख सकते हैं कि नहीं, और लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे 243 को? थ्री मैं 3 की पावर की पावर 5, 3 पावर 481, 3 2 3 स्क्वायर इज 9, 3 3 इज 27, 3 पावर 4 इज 81, 3 पावर 5 इज 243। तो सबसे पहले मैं इस 243 को 3 की पावर 5 से रिप्लेस कर रही हूं, बाहर power n/5 पड़ा है, 3 पावर 2n+1, इसको लिख दिया 3 स्क्वायर की पावर n, और इसको लिखा 3 की पावर n-1। अब आप देख रहे हैं सब जगह मेरा बेस 3 बन गया है, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। न्यूमरेटर में ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उससे पहले यहां पर 3 पावर 5 होल पावर n/5 में ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई किया ऐड,
जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होंगी तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अंदर राइट पावर 5 और बाहर n/5, जब ये दो पावर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 3 पावर n मिल गया मुझे। ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आगे चल करके भी बहुत काम आएंगी। तो न्यूमरेटर में यहाँ गया 3 की पावर n, यहाँ आया 3 की पावर 2n+1। अब ये और ये भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 की पावर 2n एंड 3 की पावर n-1। अब ऊपर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो। ऐसे ही नीचे बेस सेम है, पावर्स को ऐड करो। बताओ जरा क्या बना रहे हो? न्यूमरेटर में 3 की क्या पावर बनी और डिनोमिनेटर में 3 की क्या पावर बनी? मल्टीप्लाई पावर प्लस कर दो। ओके जी, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स को ऐड करना है। 2n+1+n कितनी पावर हो गई? n+1 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर कितनी बनी है? 3n-1 3n-1। यहां पर पावर है 3n+1, यहां पर पावर है 3n-1। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बेस सेम होने पर पावर्स सब्रैक्ट करो और बताओ आंसर क्या निकालते हैं। सब्ट्रैक्ट द पावर्स एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। जल्दी जल्दी से, शाबाश, फटाफट। जाएगी। 9। ये आपका, जब आप न्यूमिरेटर में लेके जाएंगे 3n+1 -3n-1, नेगेटिव साइन के बाद अगर आपके पास एक से ज्यादा टर्म पड़ी है, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। बिना ब्रैकेट के जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, एक टर्म का साइन बदलेंगे और दूसरा का भूल जाएंगे। 3n+1 -3n+1, तो क्या आ गया? 3² विच इज 9। ठीक है जी, तो अब जहां पर 9 है उसको लोकेट करो और उसके आगे आपने ज्वाइन करना शुरू करना है। ठीक है जी, जहां -2 पर आपने फिनिश किया था उसको वहीं छोड़ दो, 9 को लोकेट करो और जो अगला आंसर आएगा उसके हिसाब से आगे आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज गिवन टू मी इज नेगेटिव साइन आउटसाइड, a पावर -3, b पावर 10, c पावर 8 इनटू bc पावर 8, b पावर -10 इनटू c पावर 6 होल पावर 4। ये बाहर एक नेगेटिव साइन पड़ा है। चलिए जी, ये दो सेक्शन ज्वाइन नहीं हुए हैं या कंबाइन बैठा है? एनीबडी कैन टेल मी? ए और ई सेक्शंस, आर दे हियर और नॉट? एट्थ ए बैठी है क्या? कहीं बैठे हैं एट्थ ए के बच्चे तो हाथ खड़ा कर दो जरा। नहीं बैठे। और एट्थ एफ के भी नहीं बैठे, ई के भी नहीं बैठे? चलिए ठीक है, एट्थ बी में से तनुष आ जा बेटा, शुरुआत करवाओ। कहां से शुरू करूं क्वेश्चन को सॉल्व करना? बोल बेटे, कहां से शुरुआत करूं मैं? ऊपर देखो, ए की एक टर्म है, बी की दो है, सी की दो है, क्या करें हम? जोर से बोल बेटा, क्या करूं? मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बताओ। मैं बी की टर्म्स को इकट्ठा करना चाहती हूं, एक जगह बी की पावर है 10 और एक जगह बी की पावर है 1, कैसे इकट्ठा करूं? एक ही तो एक ही टर्म पड़ी है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बी की दो टर्म्स पड़ी हैं, इनको इकट्ठा कैसे करूं, कैसे मल्टीप्लाई करूं? एक है बी पावर 10 और एक है बी पावर 1, कैसे इकट्ठे होंगी ये?
बेस सेम होने पे पावर्स प्लस, करवा करो जरा प्लस। एक जगह 10 पावर है, एक जगह एक पावर है, तो टोटल पावर कितनी हो गई बी की? 11। सी की पावर बता बेटा क्या आएगी? यहाँ सी पावर 8 है, यहाँ भी सी पावर 8 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती हैं, कितनी पावर हो गई? 16। ठीक है जी, चलो सीट पर। 8C से मानव चौधरी, 8C मानव चौधरी आ जा बेटा। हाँ जी, ये डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करना शुरू करूं? यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स पड़ी और ऊपर पावर 4 दे रखी है, कैसे शुरुआत करूं मैं? जब ये ब्रैकेट को खोलूं तो बी की पावर कितनी बनेगी? जोर से बोल बेटा। हाँ जी, 40 40 या माइनस 40? माइनस 40। और सी की पावर 24। सी की पावर 24। अब ऊपर नीचे एबीसी की टर्म्स पड़ी हैं, ए की टर्म तो सिर्फ ऊपर ही है, बी की ऊपर नीचे दोनों जगह पड़ी है, तो आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? ए की पावर तो -3 कर दी, बी की पावर यहाँ 11, यहाँ -40, डिवीजन होने पर, बेस सेम होने पर पावर्स सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होती हैं कि ऐड होती हैं बेटा? सब्ट्रैक्ट। ऊपर पड़ा है 11 में से -40 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या पावर बन जाएगी? फोर्टी वो कोई भी बोलता चाह रहे और पीछे पीछे चल पड़ोगे उसके, तो कहेगा कुएं में छलांग लगा दो तो लगा लेना, ठीक है? 11 में से माइनस करना है -40, क्या बनेगा यहां पर कंप्लीट आंसर मेरा? 41। कैसे बनाया बेटा 41? अब किसने 41 बोल दिया? पहले किसने 40 बोल दिया था, अब 41 बोल दिया। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे ये? तो पावर कितनी बनेगी? और नीचे यहां 24, यहां 16, 24 माइनस 16 कर दें तो सी पावर 8। सारी पावर्स अगर मैं पॉजिटिव बनाना चाहूं तो बी पावर 51, ये -3 नीचे जाकर के +3, और सी की पावर 8। हाँ जी, ये समझ में आया सभी को? चलिए जी बेटा अपनी सीट पे। और ये इधर उधर से सुन के आंसर नहीं करना होता, अपना दिमाग लगाना होता है। 4 तो सारे गिन के रूल हैं, 5वीं बात कोई कर ही नहीं रहे हैं हम, अगर वो भी आप नहीं लगाएंगे तो कैसे बात बननी है फिर? सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज नेगेटिव साइन के साथ, बी पावर 51 अपॉन ए क्यूब सी पावर 8। अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर है तो ये पावर इसकी भी और इसकी भी दोनों की होगी, इसलिए ये पावर हो गई -40 और ये हो गया 24। फिर हमने बी की पावर्स को कंबाइन किया, सी की पावर्स को कंबाइन किया, और आंसर में सभी पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए ए पावर -3 को नीचे ला करके ए क्यूब में लिख लिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11। -5 पावर 4 इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जल्दी से जरा कोशिश करो सॉल्व करने की, फिर मैं पूछती हूँ।
हाँ जी, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? ऊपर भी एन पड़ा है, नीचे भी एन पड़ा है, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। ऊपर एन है, नीचे एन स्क्वायर है, बताओ जी क्या हो जाएगा? एन अपॉन एन स्क्वायर, नहीं ई इज विजिबल, ए इज नॉट विजिबल अभी। हाँ ए नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे। हाँ जी, ये एन है, ये एन, ये एन नीचे एन स्क्वायर है, जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। हाँ क्यों बन जाएगा? एक न्यूमरेटर में पड़ा है, डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो क्या पावर्स ऐड हो जाएंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट होंगे। माइनस फाइव पावर फोर, एन पावर वन माइनस टू और इज इक्वल टू फाइव। ये बात समझ में आती है सभी को? यहाँ पावर वन है, नीचे टू है, ऊपर ले जाऊं तो माइनस हो गई। माइनस फाइव पावर फोर, एन की पावर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ, जब आप माइनस फाइव की पावर फोर करेंगे तो माइनस साइन रहेगा या खत्म हो जाएगा? जब आप माइनस फाइव की पावर फोर करेंगे तो जो भी कुछ मेरा आंसर बनेगा वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव का इवन पावर करने पर आंसर पॉजिटिव। तो मैं इसको पहले ही फाइव पावर फोर कर देती हूँ। एन पावर माइनस वन को वन बाय एन ले लेते हैं और ये पांच। मुझे एन की वैल्यू चाहिए जल्दी से, कौन बताएगा? फटाफट करो जरा। हु इज गोइंग टू टेल मी द वैल्यू ऑफ एन? 125 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 पावर 4, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये n इधर, बेस सेम डिवीजन हो रही है तो एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब n की वैल्यू 125। 8a वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11, उससे पहले वाले हम कर चुके हैं, एक बार वापस देख लेंगे, अगर कोई आपका डाउट होगा तो उस पे वापस आ सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले ये ऊपर वन पावर नीचे दो, सब्ट्रैक्ट होंगे पावर्स, वन माइनस टू, एन पावर माइनस वन आ गया। माइनस फाइव को जब आप इवन पावर में ले जाएंगे आंसर पॉजिटिव, सो आई हैव रिटन इट एज 5 पावर 4। एन पावर माइनस वन कैन बी रिटन एज 1 बाय एन इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन आई गेट द वैल्यू ऑफ एन एज 125। नेक्स्ट मुझे आंसर चाहिए 8D से, कार्तिक। कार्तिक फ्रॉम 8D। ओके, देन इश्मीत। इश्मीत फ्रॉम 8D। हाँ जी, वो भी एबसेंट है या प्रेजेंट है इश्मित? हाँ आ जा बेटा, जल्दी जल्दी आया करो आगे। हाँ जी बेटा, ये आपको एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया है विच इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोल बेटा कैसे करूं? पूछ के नहीं, अपना दिमाग लगा के। ये जो गर्ल्स बैठी है मायके पास, दे आर नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग। अगर बोलोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, उसको कैसे समझ में आएगा? तुम्हें ही समझ में आएगा, उसे तो समझ ही नहीं आएगा। हाँ जी, पिछली क्लास में हमने किया था साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है नंबर्स को। बोल बेटा क्या करना है? नंबर इज गिवन टू बी 127,560,000 meters, दिस मच इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना था? बोल बेटा इश्मित। कुछ तो बोल दो। 10 की पावर्स में लिखना होता है, होल पार्ट कितना बनाना होता है? सिंगल डिजिट, डबल डिजिट?
नहीं पता हमें, क्लास में हम सिर्फ बैठे रहते हैं, स्कूल में चैप्टर हो गया हम सोए हुए थे, यहाँ पर चैप्टर की पूरी रिवीजन हो गई, हम उठे ही नहीं अभी तक। इसमें पिछली क्लास लगाई थी, इसमें था, आई एम आस्किंग समथिंग, लास्ट क्लास अटेंड करी थी? स्मिथ, विल यू आंसर माई क्वेश्चन? वर यू देयर इन द लास्ट क्लास? आप बता दिया उसने तो बता दो आप मुझे। हाँ हाँ जी, ये जो गर्ल बैठी है तो उसको बता रही है, माइक पे बताएगी और समझाएगी भी साथ में। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगली बार तक उसको समझ में आना चाहिए। बोलो बेटा। हाँ जी, A3, द गर्ल सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, दोनों में से कोई बता दो अब। उसे तो दोनों बताने को तैयार थे, मुझे कोई भी बताने को तैयार नहीं है। वन इंटू 10 पावर 7। स्मिथ, यहाँ पर पहले देखो करना क्या है, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाना है तो ये जो आपकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसके बाद आपको डेसिमल लगा देना है। और क्या काउंट करना है कि इस 1 के बाद कितनी डिजिट्स पड़ी हैं। 2 4 6 7, 10 की पावर 7। इश्मित, अगला क्वेश्चन अभी पूछना है मैंने वापस तुमसे, इसलिए ध्यान से देख ले बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपको कन्वर्जन करनी है, नंबर 1 से बड़ा है, लेफ्ट मोस्ट पोजिशन के बाद डेसिमल डाल करके जितनी डिजिट्स पड़ी हैं वो लिख लो, और 10 की पावर में क्या आएगा जितनी डिजिट्स इस 1 को छोड़ करके नंबर में पड़ी हैं। लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पर जो पड़ा है नंबर उसे छोड़ दो, बाकी जितनी भी डिजिट्स हैं वो 10 की पावर में आ जाएंगी। सो 1.2756 इंटू 10 पावर 7। इश्मित, इज इट ओके? यस नो कुछ तो बोल दे बेटा। चलिए जी, 8th E से अंकिता, अंकिता फ्रॉम 8th E, क्वेश्चन नंबर 13। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, और अब आपके पास नंबर्स डिजिट्स हैं 00000001 3 5। बोल बेटा। 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 9। 1.35 नहीं बोलते बेटा, डेसिमल के बाद वाली जितनी भी डिजिट। एग्जैक्टली, 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 9। बिल्कुल ठीक है बच्चे। हमने करना क्या, यहां पर भी जो नॉन जीरो डिजिट सबसे पहले दिखे उसके बाद डेसिमल डाल के लिख दो, और जितनी इससे पहले जीरो अलोंग विद 1 काउंट करके 10 की पावर में नेगेटिव कर दो उतनी ही डिजिट्स। यहां से 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, सो 10 पावर माइनस 9। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ½ पावर माइनस 2, 1/3 पावर माइनस 2, 1/4 पावर माइनस 2। हाँ जी, और इसका आंसर मुझे करना है 8th F से सांची, सांची फ्रॉम 8th F। सांची प्रेजेंट है, एब्सेंट है? एब्सेंट है, ओके। देन 8th F से निधि, आ जा बेटा। बोल बच्चे कैसे सिंप्लीफाई करूं। 1/2 पावर माइनस 2 ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव मी, हाँ जी,
जोर से बोलो, एट एफ, जोर से क्या बोल रही है? दोबारा कोई बोलेगा, कोई समझाएगा मुझे? मुझे आवाज क्लियर नहीं हो रही। आवाज़ बहुत करता है। हाफ पावर माइनस टू, पावर नेगेटिव से सबसे पहले बोला था पॉजिटिव करनी है, तो क्या हो जाएगी? टू पावर टू, ठीक है बेटा आप चलो सीट पर। दिस विल बी थ्री पावर टू, दिस विल बी फोर पावर टू। 1/2 पावर माइनस टू है, नेगेटिव को पॉजिटिव पावर में लेके जाना हो मुझे, तो ए पावर माइनस एम इज 1/a पावर m। जब इसको 1/ में लेके जाओगे तो 2 पावर 2, दिस विल बी 3 पावर 2, दिस विल बी 4 पावर 2। सो दिस इज 4 + 9 + 16, सो माय आंसर इन दिस केस इज 29। एट ए से गौरव, गौरव फ्रॉम एट्थ ए जी, आ जाओ माइक के पास और बताओ मुझे कि क्वेश्चन कैसे शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। थ्री, थ्री का क्यूब, आगे चलो। वन बाय टू पावर माइनस थ्री जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो ये क्या हो जाएगा अब? टू का क्यूब। आवाज ही नहीं आ रही है मुझे किसी की भी, नहीं क्लियर आवाज आ रही है। एक बार दोबारा बोलो बेटा, अगली टर्म क्या बनेगी? डिवाइड बाय 1/4 पावर माइनस 3 विल बी, फोर पावर थ्री। बिल्कुल ठीक है जी, चलो सीट पे चलो। 3 क्यूब इज 27, 2 क्यूब इज 8, डिवाइड करना है 4 क्यूब से। 1/3 पावर माइनस 3 सेम एज 3 पावर 3, 1/2 पावर माइनस 3 सेम एज 2 पावर 3, 1/4 पावर माइनस 3 सेम एज 4 पावर 3। दिस इज 27, दिस इज 8, डिविजन में 4 क्यूब। 27 - 8 इज 19, 4 क्यूब इज 64। आंसर फॉर दिस इज 19/64। अपने डॉट्स ज्वाइन करते जाना, अगर बीच में मिस कर दोगे तो फिर फिगर जो बनना चाहिए वो बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, 2 पावर 3x - 1 + 10 डिवाइड बाय 7 = 6। गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी से जरा ट्राई करो, फिर मैं पूछती हूँ। गिविंग यू 1 मिनट, जल्दी जल्दी से सिंप्लीफाई करो।
जी, एट ए से दीपाली, दीपाली फ्रॉम एट ए, जल्दी से माइक के पास आ जाओ बेटा। इज दीपाली प्रेजेंट? नो। हरविंदर? माइक के पास आने में इतना डरते क्यों? क्या होगा, गलत बता दो कि इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो ना। हरविंदर प्रेजेंट है कि वो भी नहीं है? Can't hear you. हाँ जी, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 power 3x minus 1 plus 10 is equal to 42। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने करी है, इसके अब 1 में तो 1 है, तो ये टर्म तो यही रही, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई। अब आपको मालूम है जब आपको वेरिएबल निकालना होता है तो जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रख दो। ये रूल जो हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था दैट इज ट्रू फॉर ऑल। यहां पर अब x पावर में आ गया, वैल्यू तो x की ही निकालनी है, तो जो टर्म है कंटेनिंग x उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ। तो 2 power 3x minus 1 is 42 minus 10 that is 32। सो 2 power 3x minus 1 is equal to 32। नाउ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? यहां पर बेस 2 है, x पावर में पड़ा है, इधर 32 है, तो अब 32 को कैसे लिखूं मैं ताकि मैं x की वैल्यू पर पहुंच पाऊं? 32 इन टर्म्स ऑफ 2 की पावर कैसे लिखा जा सकता है? 2 power 5। सो 2 power 3x minus 1 is 2 power 5। बेस सेम हो, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ, तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। 3x is equal to 6, x will be 2। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो बता दो। सबसे पहले हमने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मुझे 2 की पावर में जो पड़ा है वो चाहिए, तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म इधर पड़ी थी, शिफ्ट कर दी राइट हैंड साइड पर, बन गया 32। 32 को लिखा 2 की पावर, दोनों तरफ बेस सेम हो, पावर्स इक्वेट हो जाती हैं और एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, -1/2 की पावर 2, बाहर पावर -2 पड़ी है और पूरे की पावर -1 है, बताओ जरा क्या करें? ये पावर और ये पावर तीनों आपस में क्या होंगी? बेस तो सेम ही पड़ा है, उसी की पावर्स करते चले जा रहे हैं, ये पूरा कैलकुलेट करके ये पावर, फिर ये पूरा करके ये पावर, तो एक्चुअली ये तीनों पावर्स आपस में क्या होंगी? ऐड होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, डिवाइड होंगी, क्या होंगी? मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 into -1 that is 4। सो दिस इज -1/2 raised to power 4। सोच समझ के आंसर करना, क्या बनेगा? -1/2 की पावर 4, 1/16। नेगेटिव साइन नहीं रहेगा क्योंकि इवन पावर कर रहे हो, जब भी नेगेटिव की इवन पावर होती है नेगेटिव साइन फिनिश हो जाता है, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 पेयर बन गए और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस। अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन रिटेन होता है, इवन पावर हो तो नेगेटिव साइन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
सिंप्लीफाई करना है 1024 पावर -4/5। जब भी आपके पास ऐसे एक बड़ा सा नंबर पड़ा है और उसकी फ्रैक्शनल पावर है, आपको इस नंबर को पावर में कन्वर्ट करना है। अब अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कि नंबर बड़ा है, आई कैनॉट मेक आउट कि ये किस नंबर की कौन सी पावर बनेगी, तो क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 1024 का। जब भी पावर्स में कन्वर्जन करनी नहीं आ रही है, गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वहां से फैक्टर्स मिलते चले जाएंगे, जो भी फैक्टर जितनी बार आएगी उतने पावर में कन्वर्जन हो जाएगी मेरी। छोटे नंबर तो पता चल जाते हैं हमको, लेकिन अगर नंबर बड़ा हो जाए तो सामने से कई बार पावर समझ नहीं आती है, तो उस केस में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी से करो जरा 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन और बताओ मुझे क्या बना रहे हो। हाँ जी, बना किसी का? क्या बना? पावर 10, 2 पावर 10, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 128, 64, 32, 16, 8 4 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1024 इज नथिंग बट 2 पावर 10 होल पावर -4/5। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई, सो 2 पावर 10 इंटू -4/5, 5 10 से कैंसिल, 2 पावर -8, 1/2 पावर 8। बताओ जी 1/2 पावर 8 क्या होगा? यहीं से देख लो, वापस इसको करने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें। 2 पावर 8 टोटल 10 थे, नीचे से 8 काउंट करके देख लो क्या बच रहा है, 256 बच रहा है। टोटल 2 पावर 10 थी, अभी 2 पावर 8 पे जा रहे हो, तो नीचे से देखो 8 आपको क्या दे देगा, 256। तो माई आंसर इज 1/256। और अगर ऐसे कुछ कंफ्यूजन है तो 2 पावर 8 कैलकुलेट करके देख लेना, गलती मत करना। 2 पावर 5 इज 32, 2 पावर 6 becomes 64, 2 पावर 7 इज 128, 2 पावर 8 इज 256, 2 पावर 9 इज 512, एंड 2 पावर 10 इज 1024। हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू निकालनी है। अभी आप लोगों ने करके बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 √5 5³ 5 power -3/2 इन द डिनोमिनेटर एंड 5 power a+2। अंडर रूट का मतलब कितनी पावर? हाँ जी, क्या बताया था? स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या? 4। हाँ, 1/2। सब कुछ 5 की पावर्स में पड़ा है, सिर्फ आपको देखना है कहाँ एक्सपोनेंट्स ऐड और कहाँ सबट्रैक्ट। जल्दी से करो और ए की वैल्यू निकाल के बताओ, जिसके निकल जाए फटाफट से बोल देना माइक के पास आकर के। देखूं जरा कौन सबसे पहले निकाल रहा है, किसको कोई बात कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। Whosoever guess the answer, come near the mic from any of the section and tell me the value. हाँ जी, 8 बी से आंसर आ रहा है, बोलो बेटा। A is equal to 4, 8 B से आंसर आ गया, बाकियों की मैं इंतजार देख रही हूँ, आंसर ठीक है। देखें जरा बाकी निकाल पा रहे हैं कि नहीं, फटाफट जल्दी से जल्दी देखें जरा कौन आता है माइक के पास बोलने।
और सिर्फ आंसर आ गया से बात नहीं बनेगी, मुझे स्टेप्स बताने हैं, इसलिए सोच समझ के कैलकुलेट करके आना माइक के पास। चार इज द करेक्ट आंसर। हु सो एवर इज गोइंग टू कम नियर द माइक इज गोइंग टू टेल मी द स्टेप्स। जल्दी जल्दी करो जरा। बच्ची और किसी का नहीं निकला अभी तक। न्यूमरेटर में जितने भी पांच की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सारी पावर्स को ऐड कर दो तो फटाफट, देखें जरा क्या बना रहे हो। यहां पर पावर वन है, यहां वन बाय टू है, यहां थ्री है। बेस से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। वन प्लस वन बाय टू प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में फाइव की पावर माइनस थ्री बाय टू इज इक्वल टू फाइव की पावर ए प्लस टू। वन प्लस वन बाय टू प्लस थ्री को ऐड करें, दो एलसीएम, टू प्लस वन प्लस सिक्स, नाइन बाय टू, और डिनोमिनेटर में माइनस थ्री बाय टू पावर पड़ी। बेस सेम नंबर डिवाइड हो तो पावर्स। हाँ जी, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नाइन बाय टू माइनस ऑफ माइनस थ्री बाय टू, फाइव पावर ए प्लस टू। नीचे पावर माइनस थ्री बाय टू थी, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होनी है। ये माइनस माइनस प्लस, नाइन बाय टू प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू फाइव पावर ए प्लस टू। दोनों का बेस डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, सीधे सीधे से ऐड हो जाएंगे। फाइव पावर सिक्स इज इक्वल टू फाइव पावर ए प्लस टू, ए प्लस टू इज सिक्स, तो वैल्यू ऑफ ए इज फोर। देख लो जिस स्टेप में प्रॉब्लम हो पूछो। सबसे पहले हमने क्या किया, अंडर रूट फाइव को लिखा फाइव की पावर वन बाय टू। सारे बेस पांच है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो गई वन, वन बाय टू एंड थ्री। इन तीनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, एलसीएम आया टू। दिस इज टू प्लस वन, थ्री टू जा सिक्स, सो नाइन बाय टू। नीचे पावर माइनस में है, बेस सेम होने पर डिविजन करने पे पावर्स होती हैं सब्ट्रैक्ट। नाइन बाय टू माइनस ऑफ माइनस थ्री बाय टू मेक्स इट प्लस थ्री बाय टू। नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व बाय टू सिक्स। बेस सेम है, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ, पावर्स को इक्वेट किया, ए प्लस टू सिक्स, सो वैल्यू ऑफ ए इज फोर। एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर टू एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। So answer I am getting here is 4. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। x की वैल्यू निकालनी है, गिवन है 3 की पावर x माइनस वन माइनस फाइव बाय सिक्स इज इक्वल टू 49 बाय सिक्स। कैसे सिंप्लीफाई होगा जल्दी से बताइए मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि जो पावर में जो वेरिएबल चाहिए जो पड़ा है उसको एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाओ। हाँ बेटा बोलो जी। एट्थ बी से फिर से आंसर आ रहा है मेरे पास। बोलो बच्चे क्या आंसर निकाला। आंसर इज थ्री। आंसर इज थ्री, वेरी गुड, वेरी क्विक एंड एक्यूरेट, वेरी गुड। बाकी अभी सोच ही रहे होते हैं, वो अगला क्वेश्चन भी करके और आंसर भी दे देता है। बाकी बैठे अभी सोच ही रहे हैं कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। फोकस्ड होना, काम पे कंसंट्रेट करो, तो मुश्किल कुछ नहीं है। प्लस माइनस ही तो कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे हो।
सबसे पहला स्टेप ये टर्म को इस तरफ शिफ्ट करो, 5/6 माइनस 5/6 को इस तरफ शिफ्ट करो, क्या टर्म बन रही है वो देखो। इधर है 3 की पावर, तो इधर भी 3 की पावर में ही कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तभी x की वैल्यू आएगी। निकालो जरा जल्दी से और बताओ मुझे क्या बना रहे हो। हाँ जी -5/6 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया प्लस का हो गया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम तो न्यूमरेटर सीधे सीधे से ऐड, 49 + 5 54 डिवाइड बाय 6 क्या जाएगा, 9। थ्री पावर एक्स माइनस टू, 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। जब पावर्स को इक्वेट करा तो एक्स की वैल्यू, तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 3। डॉट्स ज्वाइन करते जाना जहां जाए, देखें जरा एंड में क्या बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब सबसे पहले यहां पर जो भी कुछ नंबर्स मुझे दिए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, प्राइम नंबर्स की पावर्स के टर्म में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। 14 power 12, 21 power 11। क्या कहना चाह रहा है मैं एक बात समझा देती हूँ, बाकी के टर्म्स के बारे में आप खुद वो काम करेंगे। ध्यान से देखना, 6 power 12, 6 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो 2 into 3। इसका मतलब 6 power 12 कैन बी रिटन एज 2 power 12 into 3 power 12, क्योंकि मुझसे प्राइम फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं, मुझे हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्शन देनी पड़ेगी। सो आई हैव रिटन 6 एज 2 into 3 पूरे की पावर 12। ए बी पावर m इज a पावर m into b पावर m, तो इस 6 power 12 को मैंने लिख दिया है 2 power 12 इंटू 3 power 12। ऐसे बाकी सारों को पहले खोलो, सबको करो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट, फिर उसके बाद जो एक जैसे होंगे उनको कंबाइन करके फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। 35, 15, 14, 21 सबके प्राइम फैक्टर्स करके खोलो और क्या क्या बना रहे हो बताओ। हाँ जी कर लिया ब्रेक। 35 के प्राइम फैक्टर जल्दी जल्दी बोलो, 5 and 7, सो आई राइट इट एज 5 power 28, 7 power 28। 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, 3 power 16, 5 power 16। 14 इज 2 into 7,
21 is 3 into 7. अब एक एक नंबर को लेते जाते हैं और देखते हैं. 2 की एक ही पावर यहां पड़ी है और नीचे भी एक ही है. 2 पावर 12 ऊपर है, 2 पावर 12 भी नीचे है. क्या कैंसिल हो जाएगा? अब 3 की पावर्स देखो, यहां न्यूमरेटर में 3 पावर 12, 3 पावर 16 पड़ा है और नीचे 3 की पावर 11. सब कुछ इकट्ठा करो और बताओ 3 की पावर फाइनली क्या बच रही है आपके पास. जल्दी से, ऊपर वाली दोनों पावर्स ऐड होंगी और नीचे वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 3 पावर 17. 12 और 16 हो गया आपके पास 28. ये सब्ट्रैक्ट होना है. 28 माइनस 11 कर दूं तो 3 की पावर 17. अब 5 की पावर्स देख लेते हैं. ये पड़ा है 5 की पावर 28 और यहां से 5 की पावर 16. डिनोमिनेटर में 5 की कोई पावर नहीं है. बेस सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स एड. 28 प्लस 16 44. अब रह गई है 7 की पावर्स. न्यूमिरेटर में 7 पावर 28, डिनोमिनेटर में 7 की दो पावर्स पड़ी हैं 12 और 11. करो जरा जल्दी से इकट्ठा और मुझे बताओ कि 7 की पावर्स क्या बनाई हैं आपने. 39. नहीं बेटा, 5 आएगी. ये आपस में ऐड हो गई. 12 प्लस 11 23. न्यूमिरेटर में 28, डिनोमिनेटर में 23. 7 पावर 28 माइनस 23, 7 पावर 5. इसका मतलब जो भी मुझे नंबर दिया था उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूं तो ये. और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 3 17 बार पड़ा है तो ये प्राइम फैक्टर्स. 5 44 टाइम्स पड़ा है और 7 5 टाइम्स पड़ा है. सबको ऐड कर दें. 5 प्लस 9, 9 प्लस 7, 16, 4, 5, 6. टोटल 66 प्राइम फैक्टर्स हैं मेरे पास इस नंबर के. ठीक है जी. सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन. एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन पहले तो वो बता दो और ज्वाइन करके देखना जरा कुछ समझ में आया क्या बना. करे आपने डॉट ज्वाइन साथ साथ कुछ कुछ फिगर जो बना कुछ समझ में आ रहा है क्या बना है? क्या बना? स्टेयर्स. पोडियम की फॉर्म में है. पोडियम मालूम है क्या होता है? पोडियम आपके यहाँ पर गेम्स या कोई भी कंपटीशन होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं. पोडियम होता है ये. सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. पोडियम. ठीक है जी. सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दो. पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद. Tomorrow you have a test on square, square roots and power and exponents. Questions similar होंगे जो हम करके चुके हैं assignments में. तो accordingly आपने देख ले क्या क्या. ठीक है बच्चों. Okay जी. Thank you. Bye bye. Bye bye.